हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल फैंटेसी वर्ल्ड में। तो आज हम लोग बात करेंगे लंका प्रीमियम लीग के 11वें मुकाबले के बारे में, जो कि 11वां मुकाबला होने वाला है डीए वर्सेस जेके, मतलब डम्बुला ओड़ा वर्सेस जफना किंग के बीच में होने वाला है 11वां मुकाबला। ये मुकाबले के बारे में अगर बता दूँ, पालिकेल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कैंडी में ये शाम 7:30 बजे से होने वाला है। अगर दोनों टीम के बारे में अगर बताऊँ तो दोनों टीमों ने चार चार मैच खेल लिए इस टूर्नामेंट में। अगर डीए की बात करें तो चार मैच में दो विन करा है, दो लॉस करा है और पॉइंट टेबल पे दूसरे नंबर पे है। और जेके की अगर बात करें तो जेके ने भी चार मुकाबले खेले, चार मैच खेले हैं जिसमें दो विन करा है, दो लॉस करा है और पॉइंट टेबल पे तीसरे नंबर पे है। तो हम लोग कुछ मैच वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बात पे टॉपिक करने वाले, जो इम्पोर्टेंट हमारा क्या क्या होने वाला है उसके बारे में बताते हैं। तो चलिए, हमारा क्या क्या इम्पोर्टेंट आज के वीडियो में टॉपिक रहने वाला है, तो यहाँ से हमारा अब वीडियो शुरू होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग एकदम ध्यान से वीडियो देखना, एकदम सावधानी पूर्वक देखना, एक एक पॉइंट को आप लोग दिमाग में बैठाना। एक एक पॉइंट मैं जो बोलने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आज के मैच के लिए। तो आज के हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट इस तरह से होने वाला है। एक नंबर में हम लोग पिच रिपोर्ट के बारे में जानेंगे कि पिच पे क्या क्या परेशानी होने वाला है, बैट्समैन को फ़ायदा होने वाला है या बॉलर को फ़ायदा होने वाला है या ऑलराउंडर को मदद मिलने वाला है, किसको मदद मिलेगा उसके बारे में हम जानेंगे। वहीं पर अगर दूसरे नंबर में बात करें तो दूसरे नंबर में हेड टू हेड के बारे में बात करेंगे, जो डीए और जेके के बीच में कितना मुकाबला खेला गया और कौन किस पे भारी पड़ा है और कौन कितना बार जीता है और कौन कितना बार हारा हो उसके बारे में बात करेंगे। उस हिसाब से भी, उसके अकॉर्डिंग भी हम अपना टीम बना सकते हैं। और वहीं पे हम बात करें तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर में प्ले 11 के बारे में बात करेंगे, जो कि कोई भी मैच में ड्रीम टीम लगाने में प्ले 11 बहुत ही ज़्यादा मदद मिलता है उससे। तो प्ले 11 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो उसको भी आप लोग ध्यान से देखेंगे। और वहीं पे चौथे नंबर की अगर बात करें GL CBC ऑप्शन, तो GL CBC मतलब ग्रैंड लीग में CBC जो हम बनाएंगे किस पैटर्न से बनाएंगे, किस हिसाब से बनाएंगे, बैट्समैन को हमको लेना है या ऑलराउंडर को लेना है या बॉलर को लेना है, किसको लेना है, तो वो डिपेंड करता है पिच पे। तो पिच हमारा किस तरह से हिसाब से मतलब ये करता है, उसके हिसाब से हम टीम CBC बनाएंगे, तो उस हिसाब से हमारा CBC क्रिएट होगा। वहीं पर अगर बात करेंगे पाँचवें नंबर में, तो पाँचवें नंबर में हमारा विकेट टेकर के बारे में बात करेंगे, जैसे कि इस पिच पे कौन बॉलर कितना विकेट ले सकता है, फास्टर के लिए ये पिच सही है या स्पिनर के लिए सही है या मीडियम पेसर के लिए सही है, तो किस बॉलर के लिए पिच सही है, तो उस हिसाब से पिच के अकॉर्डिंग ही हम बॉलर को भी अपने टीम में लेके चलेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला। और वहीं पर रहा GL पिक प्लेयर, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो GL पिक प्लेयर जो कौन जो प्लेयर है आज के मैच में परफॉर्मेंस करने वाला, कौन प्लेयर लगातार इन फॉर्म है, कौन आउट फॉर्म है, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके हिसाब से आप टीम में अपना प्लेयर को सजेस्ट कर सकते हैं, जो कि हम प्ले 11 में ही GL प्लेयर आपको बता देंगे। प्ले 11 जो बताएंगे उसी समय आपको GL प्लेयर भी हम आपको बता देंगे, तो उस समय आप नोट कर लेना। वहीं पे ड्रीम टीम है, ड्रीम टीम के बारे में भी सजेस्ट करेंगे, तो उसके बारे में भी आपको सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो सारी जानकारी देंगे। अगर जानकारी देने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक मेरा चैनल यूट्यूब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाके भाई पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप चैनल सब्सक्राइब करने में पैसा खर्चा नहीं होता, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरा मोटिवेशनल जो हो मोटिवेट मैं होता हूँ और वीडियो बनाने में मुझे बहुत ही मज़ा आता है। तो आपको सब्सक्राइब आप करते हो तो और भी इससे ज़्यादा बेहतरीन वीडियो आपको हम बना कर देंगे। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट भी आप करें, कमेंट किस तरह का अगर वीडियो चाहते हैं तो वो भी करके देंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। पिच रिपोर्ट जो है कुछ इस तरह से, पालिका इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का जो पिच रिपोर्ट है कुछ इस प्रकार है। जैसे कि ये इस पिच पे अभी तक लास्ट 5 T20 रिकॉर्ड का बात करें तो यहाँ पे अभी एवरेज स्कोर जो है 134 के करीब लगता है या बनता है, 134 के करीब बनता है। वहीं पर अगर टोटल विकेट की बात करें तो टोटल विकेट इस पिच पे अभी तक 50 गिरे हैं, जिसमें पेसर के खाते में 30 गया है और स्पिनर के खाते में
बीस गया। तो ओवरऑल ये जो पिच है बॉलिंग पेशर है, बॉलिंग के लिए पिच बेहतर है। यहाँ पे लगभग लगभग ज़्यादातर काम पेशर जो है शो करता है, और ज़्यादा विकेट पेशर ही निकाल के जाता है जिस हिसाब से इसका रिकॉर्ड है। तो हम अपना जो टीम क्रिएट करेंगे इसी के अकॉर्डिंग टीम क्रिएट करेंगे, जो हम अपना टीम बनाएंगे उसमें ज़्यादातर हम पेशर को लेकर जाएंगे। अगर दो पेशर को ले रहे हैं तो एक स्पिनर को लेकर जाएंगे, पेशर है स्पिनर तो वो भी विकेट आपको निकाल के देगा, लेकिन ज़्यादातर आपको पेशर ही निकाल के देगा, स्पिनर कम और पेशर ज़्यादा निकाल के देगा। तो इस हिसाब से हमको पेशर को लेके ज़्यादा जाना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम टीम क्रिएट करेंगे। पालीकेल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कैंडी ग्राउंड की अगर बात करें, इस ग्राउंड पे अभी तक टोटल LPL मैच कितने कितना खेला गया है, तो इस ग्राउंड पे अभी तक लंका प्रीमियर लीग के 13 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें फर्स्ट बैटिंग विन 7 है और सेकेंड बैटिंग विन 6 है। वहीं पर अगर हाईएस्ट स्कोर के बारे में अगर बात करें, तो हाईएस्ट स्कोर अभी तक यहाँ पे 240 देखने को मिला है, और वहीं पर लोवेस्ट स्कोर के बारे में अगर बात करें तो लोवेस्ट स्कोर 89 रहा है। और वहीं पर अगर टोटल डोमेस्टिक T20 मैच के बारे में बात करें, तो टोटल डोमेस्टिक T20 मैच यहाँ पर 22 मैच खेले गए हैं। वहीं पर 22 मैच में अगर बात करें फर्स्ट बैटिंग विन के, तो 13 बार विन किया फर्स्ट बैटिंग विन, और वहीं पर सेकेंड बैटिंग विन जो है 8 बार किया है। तो वहीं पर अगर हाईएस्ट स्कोर के बारे में अगर बात करें, तो हाईएस्ट स्कोर टोटल डोमेस्टिक T20 में 263 लगा है। वहीं पर अगर बात करें इस पिच पे पिच बिहेवियर कैसा है, तो पिच बिहेवियर जो है पेशर को इस पिच पे ज़्यादा मदद मिलता है, तो आप उस हिसाब से अपने टीम में पेशर को लेके जाएंगे और टीम क्रिएट करेंगे, तो जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके, तो उस हिसाब से अपना टीम क्रिएट करना। क्योंकि पूरा फुल्ली जो है जो पिच है जो प्रेशर को मदद करता है, तो उस हिसाब से आप अपना टीम को क्रिएट करें। तो चलिए फिर अब हम बात करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेड टू हेड के बारे में, कि दोनों का टीम दोनों के बीच में कितना बार मैच हुआ। तो चलिए हेड टू हेड हमारा किस तरह से देखते हैं। DA वर्सेस JK, दोनों का जो आमना सामना अभी हुआ है, अभी तक टोटल मैच जो हुआ है 9 मरतबे हुआ है दोनों के बीच में आमना सामना। और वहाँ पे DA की बात करें तो मात्र एक ही मैच विन कर पाया है, और वहीं पे JK की अगर बात करें, JK ने 7 मैच विन करा है दोनों के बीच में 9 मुकाबले में, और एक मैच जो है रद्द हो गया है तो नहीं हो पाया था। लेकिन यहाँ पे जो JK है वहाँ पे DA पे बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा है, क्योंकि 9 मुकाबले में 7 मुकाबला JK विन किया और मात्र एक ही DA ने विन कर पाया है। तो इस हिसाब से JK के फेवर में आप टीम बना सकते हैं, JK इस पे बहुत ही ज़्यादा हावी है, तो उस हिसाब से आप JK को जो एक कम से कम ऐसा टीम बना जिसमें 7 प्लेयर JK के आप लेके चलना या 8 प्लेयर JK के लेके चलना, उस हिसाब से अपना टीम क्रिएट करना, क्योंकि उस पे बहुत ही ज़्यादा हावी है, जो कि 9 मैच में मात्र एक ही बार DA विन करा है और 7 मरतबे JK विन करा है। तो इस हिसाब से अपना टीम क्रिएट करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं प्ले 11 के बारे में, कि दोनों टीमों का जो प्ले 11 रहने वाला है किस तरह से रहने वाला है। डम्बुला ओरा का प्ले 11 के बारे में अगर बात करते हैं, तो डम्बुला ओरा के इस तरह का प्ले 11 है, जैसे कि फर्स्ट नंबर में आप ओपनिंग करते हुए के मेंडिस और ए फर्नांडो के देख सकते हैं, वहीं पर तीसरे नंबर पे के परेरा विकेट कीपर है उसको भी आप देख सकते हैं, चौथे नंबर पे एस समर विक्रमा उसको देख सकते हैं, पांचवें नंबर पे डी डे सिल्वा है उसको देख सकते हैं, और छठे नंबर पे ए रोस है उसको देख सकते हैं, सातवें नंबर पे एच कैडी है ऑलराउंडर उसको देख सकते हैं, आठवें नंबर पे पी मधुसन बॉलर है उसको देख सकते हैं, नौवें नंबर पे पी जय विक्रमा है बॉलर उसको देख सकते हैं, 10 नंबर पे एच अली है उसको देख सकते हैं, 11वें नंबर पे एन अहमद है नूर अहमद है उसको आप देख सकते हैं। जो कि आप देख रहे हैं हरे नंबर का जो टिक लगा हुआ, तो वो आप सोच रहे हैं, तो वो हम आपको बताया था शुरू में ही कि आपको GL पिक प्लेयर के बारे में बताएंगे, तो ये हमारा GL पिक प्लेयर है जो कि बहुत ही शानदार फॉर्म में अभी चल रहा है, तो उसके बारे में आप हम बताए थे। और यहाँ पर देखिए कि
जो डीए है के मेंडिस जो है अभी तक 4 मैच खेले, जिसमें फर्स्ट मैच में 87 और दूसरे में 7 और 29 रन की शानदार पारी खेला था। वहीं पर अगर बात करें फर्नांडी के, तो वहां पे उन्होंने भी 4 मैच खेले, जिसमें से 2 मैच बहुत शानदार खेला है, 32 और 52 रनों की शानदार पारी खेली है। वहीं पर के परेरा का बात करें तो कुछ खास नहीं है, 2 मैच में ये भी ठीक ठाक खेले हैं, 34 और 40 का पारी खेले हैं। वहीं पर अगर थार विक्रमा की बात करें तो लास्ट मैच में 59 रन की शानदार पारी खेले थे, बाकी 3 मैच में फ्लॉप रहा था, 14 12 13 इस तरह से खेले। और डी डी सिल्वा है वो काफ़ी शानदार पारी खेला है, जो 61 और 43 रनों की पारी खेले और 4 विकेट भी अपने खाते में लिए थे। आप इसके साथ जा सकते हैं। और वहीं पर अगर बात करें एरोस, वो फ्लॉप रहा है, 1 मैच में 39 रन मात्र बनाया था। वहीं पर अगर बात करें एच केयर, तो वो भी फ्लॉप रहा है, रन नहीं बना पाया, लेकिन 4 मैच में 3 विकेट आपको निकाल के दिया। वहीं पर अगर बात करें पी मधुसेना, तो वो फ्लॉप है और अली है, 1 ही मैच खेला, वो भी विकेट नहीं निकलता। हाँ, नूर अहमद है, वो आपको 3 विकेट 3 मैच में निकाल के दिया। तो आप इसमें जाइएगा, के मेंडिस और फर्नांडे के साथ भी जा सकते हैं, ये भी ठीक ठाक खेला है, तो उसको भी आप लेके जा सकते हैं। के परेरा है, वो भी 2 खेला, लेकिन 2 पिछले 2 मुकाबले में फ्लॉप रहा है। और वहीं पे समर विक्रमा है, वो भी लास्ट मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, लेकिन उससे पहले 3 मैच में फ्लॉप रहा है। और डी सिल्वा को आप कैप्टन भी बना सकते हैं और वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट प्लेयर है वो आपका डी सिल्वा, के मेंडिस और फर्नांडो और के परेरा है। और वहीं पे बॉलिंग सेक्शन में बात करें तो नूर अहमद और एच अली, जो लास्ट मैच खेला, लेकिन ये बहुत बढ़िया बॉलर है, आप उसको लेके जा सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बात करते हैं जेके के प्ले 11 के बारे में, उसका प्ले 11 किस तरह से रहने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप बने रहे, स्किप करके ना देखें, आइए हम आपको बताते हैं। तो जेके का जो है प्ले 11, जो कुछ इस तरह से जो पिछले मैच में था, सेम ही रहेगा। तो इसमें कौन प्लेयर हमारे लिए बेहतर होने वाला है, कौन प्लेयर हमारे लिए अच्छा होने वाला है, उसके बारे में बात करते हैं। तो एक जैसे कि ओपनिंग करते हुए आप गुरबाज और असलंका को देख सकते हैं, 3रे नंबर पे टी हरिद्वाई को देख सकते हैं, और 4थे नंबर पे पी परेरा को देख सकते हैं, 5वें नंबर पे डी मिलर को देख सकते हैं, 6ठे नंबर पे डी विलेगर को देख सकते हैं, 7वें नंबर पे टी परेरा ऑलराउंडर को देख सकते हैं, 8वें नंबर पे एम टिक्सना को देख सकते हैं, 9वें नंबर पे वी व्यासकनाथ को देख सकते हैं, 10वें नंबर पे एन बर्गर को देख सकते हैं, और 11वें नंबर पे एन तुषारा को देख सकते हैं। तो जबकि आप यहाँ पे बात करेंगे, इसमें हमारा जो प्लेयर होने वाला, जिसमें हम टिक लगाए, वो आपका हाई रिस्की प्लेयर है, जो कि अभी तक इन फॉर्म आउट फॉर्म है, जो एम मिलर है वो अभी तक फॉर्म नहीं कर पाया, 4 मैच खेला, जिसमें 17 14 7 21 इस तरह से लगाया। और वहीं पर सी एस लंका के बारे में बात करें तो 1 ही मैच में ये 56 रन अभी तक बना पाया है। वहीं पर अगर बात करें टी परेरा के बारे में, तो टी परेरा ने 1 विकेट निकाले हैं, लेकिन स्कोर बल्ला से नहीं कर पाया है। वहीं पर अगर बात करें वी व्यासकनाथ का, तो जो कि 3 विकेट निकाले हैं 4 मैच में। और वहीं पर एन तुषारा की बात करें, तो एन तुषारा ने 1 विकेट लिए हैं 2 मैच में। और वहीं पर बात करें एन बर्गर के बारे में, तो उन्होंने 2 मैच में 3 विकेट। तो आज का जो हमारा जो बढ़िया होने वाला है प्लेयर, वो हमारा टी हरिदो है, जो वो बढ़िया परफॉर्मेंस बढ़िया फॉर्म में है, तो आप उसको लेके जा सकते हैं, 3 नंबर के बैट्समैन टी हरिदो को। और आर गुरबाज के साथ भी आप जा सकते हैं, ये बल्ला बैट्समैन बहुत ही बढ़िया है, किसी समय कुछ भी कर सकते हैं, तो उसके साथ आप जा सकते हैं। डी मिलर पे अगर आपको भरोसा है, तो उसको लेके आप जा सकते हैं, क्योंकि ये बैट्समैन भी बहुत ही खतरनाक है, अगर चल गया तो अकेला समेट के चला आएगा पूरे पारी को। और वहीं पे अगर बात करें बॉलिंग सेक्शन से, तो बॉलिंग सेक्शन से एन बुर्गर को लेके जा सकते हैं, जो कि 2 मैच में 3 विकेट लेके गया है। वहीं पर अगर बात करें डी वेलल को, जो डी वेलल को है, जो 3 मैच खेले, जिसमें 3 मैच में 5 विकेट निकाल के दिए हैं, रन तो नहीं, लेकिन 4 5 विकेट निकाल के दिए हैं, उसके साथ आप जा सकते हैं। और इसके सी असलंगा को आप ट्राई कर सकते हैं 1 मैच में, लेकिन सबसे जो बेहतर है तो यही है हमारा होने वाला एन बुर्गर। और वहीं पर अगर वी व्यासकनाथ को अगर लेके जा सकते हैं, तो उसको भी आप लेके जा सकते हैं, जो कि 3 मैच में 4 4 मैच में 3 विकेट निकाल के दिया। और ऑलराउंडर में डी वेलगर, जो 2 मैच में 5 विकेट निकाल के दिया। वहीं पर अगर बात करें आर गुरबाज, उसको लेके जा सकते हैं। टी हरिदो, जो कि सबसे बेहतर प्लेयर हमारा यही होने वाला है, टी परेरा को, पी परेरा पे भी आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उसको आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि 3 मैच में बढ़िया खेल के दिया है, 2 मैच में 22 22 रन और 1 में 5 रन बना के दिए। तो इस तरह से हमारा जो है बहुत ही बढ़िया है, तो आप ये नोट कर लो, इस तरह से अपना टीम को क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं
बात करने वाले हैं GL CBC ऑप्शन के बारे में। तो GL CBC जो हमारा होने वाला, किस तरह से होने वाला, बैट्समैन को लेना है या बॉलर को लेना है या ऑलराउंडर को लेना है या किस तरह के हमको प्लेयर को लेना है, तो चलिए हम उसके बारे में बताते हैं। आज आज का जो हमारा CBC होने वाला है वो पिच के अकॉर्डिंग होने वाला। तो इस पिच पे पहले क्या इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पे किसको ज़्यादा मदद मिलता है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे पिच पे सबसे ज़्यादा बॉलिंग बॉलर को मदद मिलता है, वो भी पेशर को। तो CBC हम जो बनाएंगे बैट्समैन या ऑलराउंडर या ऑलराउंडर या बॉलर को इस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम बनाते हैं तो यहाँ पे बॉलर को जो फ़ायदा मिलने वाला है वो हमको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, और बैट्समैन को जो अगर रन बनाता है वो भी हमको बहुत बेनिफिट होता है। पहला जो आप तैयार करते हैं तो उसमें जो है आप बनाइए बैट्समैन का, अगर कैप्टन बना रहे हैं तो ऑलराउंडर को वाइस कैप्टन बनाइए, अगर वाइस कैप्टन ऑलराउंडर को बना रहे हैं तो बॉलर को आप कैप्टन बनाइए, या तो बैट्समैन को अगर कैप्टन बना रहे हैं तो बॉलर को भी आप वाइस कैप्टन बना सकते हैं, और बॉलर को कैप्टन बना रहे हैं तो आप बैट्समैन को भी वाइस कैप्टन बना के चल सकते हैं। इस तरह से आप अपना टीम क्रिएट कीजिए जो कि आपको ग्रैंड लीग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। तो आप इस हिसाब से अपना टीम बनाइए, बैट्समैन और ऑलराउंडर, ऑलराउंडर और बॉलर, ये दो दो कम्बिनेशन अपने टीम में मिला के चलना, और एक बैट्समैन और बॉलर का भी कम्बिनेशन मिला लेना। इस तरह से अपना आप टीम क्रिएट करो और ग्रैंड लीग जीतो। अगर विकेट टेकर की अगर बात करें इस ग्राउंड पे, पालिका इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड कैंडी पे, तो इस ग्राउंड पे अभी तक राइट आर्म का जो बेस्ट बॉलर है वो अभी तक 95 विकेट निकाला है। वहीं पर अगर बात करें लेफ्ट आर्म का जो बॉलर है वो अभी तक 53 विकेट निकाला है। वहीं पे अगर बात करें तो ये दोनों जो है निकाला, तो इसमें जो राइट आर्म और लेफ्ट आर्म जो वो निकाला है, तो ज़्यादातर यहाँ पे विकेट जो सेकेंड इनिंग में मिलता है, सेकेंड इनिंग में ज़्यादा विकेट गिरता है, जो फर्स्ट इनिंग जो करता है उसको ज़्यादा बेनिफिट होता है, सेकेंड इनिंग में ज़्यादा विकेट गिरता है। तो आप अपना जो टीम बनाएगा उसी तरह हिसाब से बनाइएगा, जो सेकेंड फर्स्ट जो बैटिंग करे, अगर टॉस जीत कर अगर बैटिंग करे तो उसके बल्लेबाज को आप कैप्टन बना सकते हैं और ऑलराउंडर को वाइस कैप्टन बना सकते हैं, या ऑलराउंडर को आप कैप्टन बना के बॉलर को वाइस कैप्टन बना सकते हैं, क्योंकि दूसरे जो इनिंग है उसमें बॉलर को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है। तो इस हिसाब से अपना टीम आप क्रिएट करेंगे, ठीक है। और बात करें अगर ड्रीम टीम का, तो ड्रीम टीम जो हमारा ड्रीम टीम का स्ट्रक्चर हम आपको बता देते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो टीम आप टीम का जो हमारा स्ट्रक्चर होने वाला है, जो होने वाला इस तरह से, जैसे एक विकेट कीपर को रखिए, चार बैट्समैन को रखिए, दो ऑलराउंडर को रखिए और चार बॉलर को रखिए। और अगर वहीं पे अगर बात करें दूसरे टीम का, तो दो दो विकेट कीपर रखिए, तीन बैट्समैन रखिए, तीन ऑलराउंडर रखिए, तीन बॉलर रखिए। इस तरह से आप दूसरा जो टीम का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। वहीं पर अगर बात करें तीसरे नंबर का, तीसरा स्ट्रक्चर जो उसमें तीसरा स्ट्रक्चर भी हमारा इस तरह से, दो हमारा विकेट कीपर है और चार जो हमारा है बैट्समैन है, और दो हमारा ऑलराउंडर सेक्शन से रहेगा और तीन हमारा बॉलिंग सेक्शन से रहेगा। चार जो हमारा बॉलिंग सेक्शन है, फर्स्ट जो हम टीम के बारे में बताएं कि चार बॉलर और दो ऑलराउंडर और चार बैट्समैन और एक विकेट कीपर, तो चार जो बॉलर रखिएगा तो वहाँ पे आप वाइस कैप्टन जो है बॉलर से ज़रूर रखिएगा वहाँ पे। और अगर दूसरा जो स्ट्रक्चर है जिसमें तीन बॉलर और तीन ऑलराउंडर, तो आप कैप्टन यहाँ पे आप ऑलराउंडर से लेके जाना, और वहाँ पे कैप्टन जो है ऑलराउंडर से और वाइस कैप्टन बैट्समैन से लेके जाना। वहीं पर अगर जो चार चार जो बैट्समैन है, चार बैट्समैन, तो वहाँ से आप कैप्टन और वाइस कैप्टन आप नीचे से लेके जा सकते हैं, या आर गुरुबाज है उसको विकेट कीपर से आप कैप्टन बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कल ड्रीम इलेवन क्रैक करें, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है। भाई ने आपके इतना भाई आपके भाई इतना मेहनत करके आपको आपके लिए वीडियो बनाया, तो एक लाइक तो कम से कम बनता है। अभी तक जो अगर सब्सक्राइब नहीं किए भाई, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दो, भाई को सपोर्ट करो। और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया हुआ है, कमेंट सेक्शन में पिनअप किया हुआ है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया हुआ है, तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो। थैंक यू, धन्यवाद।